मिस्टर आबिद अली साहब, तहा अहमद जलील सर, अस टूर्नामेंट के कमिश्नर है शेख हबीब सर, सलीम सर, सलाम कर। अरे इस बार अरे भले से खेलेगा। रीवे गांव के प्रेसिडेंट है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सिंधी कॉलोनी के सेक्रेटरी हरदेव सिंह जी भी आए हैं यहाँ पर, का यहाँ पर आईजे फेस्ट में। लॉन्ग आउट और आप स्लिप के खिलाड़ी कंसर्ट में ना जा रहे सर्कल के अंदर। ओवर नंबर दो प्रगति पर है, गेंदबाजी कर रहे हैं तीन खिलाड़ी कंसर्ट में तैनात किए हैं। मजेद ने अमित पाठक जो है वो तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी उनकी। दिखी सर जैसे पाओगी सर मैच का आनंद ले रहे हैं, सम्मान देते हुए खेला यहाँ पर खेलिए दूसरे रामी द्वारा। और गुड्डू ये हमारी 21 के फ्रेंचाइजी ओनर है गुड्डू राहुल सर, वो भी इस मैच का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। कुल स्कोर है 109 रन, 15 रन करके जारी है। चार गेंदे यहाँ भी विभाग की मुस्तफा शाह की ओर से। और यहाँ पर खेला है ऑन राइट, एक रन आसानी से पूरा किया, दूसरा लेने का यहाँ पर प्रयास जरूर किया है, बहुत बड़े तेजी से दूसरा रन भी यहाँ पर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और दो रन की मदद से स्कोर को पहुंचा है 111 रनों पर। नेल्सन अकाउंट 111 दूर से बीच से गिरा रहा है लेकिन दो रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। काफी तेज रनिंग बिल्डिंग लेके दोनों बल्लेबाजों की बीच देखने को मिली, दो गेंदों से चार रन यहाँ पर बना लिए जिसे राहुल। कुल स्कोर है 113, अभी भी इस इनिंग की दो गेंदे अवशेष। मुस्तफा से गेंदबाज दो ऐसे गेंदबाजी करेंगे उसे राहुल की। और इस बार बाइक लगाने का प्रयास, और ये होता है क्रिकेट जेंटलमैन क्रिकेट का यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए ना मोदी। यकीन अंपायर के निर्णय का यहाँ पर इंतजार भी नहीं किया, जैसी बल्ले का किनारा लगा वैसी निकल पड़े थे होते ना। अंतिम ओवर लेकर आए हैं संक्रांत की।
कैसा रिस्पांस मिल रहा है, देखिए आज 6 दिन हो चुके हैं टूर्नामेंट के, 7 दिन हो चुके हैं, 7वां दिन है इस टूर्नामेंट का और अल्हम्दुलिल्लाह हम रात में इंटरेस्ट बढ़ रहा है लाइव पे हमारे पास आज 15 से 17 का एक ऐप है उसके ऊपर हमारे 2.5 लाख व्यूज ऑलरेडी देख चुके हैं इंटरनेट के ऊपर और अगर आप शाम का है तो आज मैच के लिए वेट करेंगे और अगर आप देखेंगे कि तो जिस तरीके की पब्लिक आ रही है चालू करा है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है किस तरीके का रिस्पॉन्स है। अभी हमारे पास एक साहब बैठे थे कि बच्चों के ऊपर यही है, क्रिकेटर्स ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है कि अब वो अगले साल तैयारी करेंगे IJFest के सीजन 2 के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमने एक्सपेक्टेशंस दी उसको हम ऑलरेडी एक्सीड कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम वही दोनों यही बातें करते रहते हैं कि तो कोई जिस तरीके का हमने रिस्पांस सोचा था उससे 3 गुना ज़्यादा रिस्पांस हुआ है और आम खास को जिस तरीके से हमने सजाया है ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है ऐसा कि आम खास जिस तरीके का लग रहा है, लोग मुझे लंदन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से मैसेज कर रहे हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कैमरा में आम खास नज़र आ रहा है और इसका श्रेय हमारी पूरी टीम को जाता है। हमारे टूर्नामेंट के कमिश्नर हबीब भाई भी हैं, हबीब भाई का भी बहुत बड़ा श्रेय रहा है इसमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छा हुआ है। क्रिकेट का फाइनल कब है? क्रिकेट का फाइनल 7 तारीख की शाम को होगा, 20 ओवर्स का मैच होगा, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब उसमें। सर मैन ऑफ द सीरीज भी आया है कल से, क्या है मैन ऑफ द सीरीज? आया स्टार्टिंग से डिक्लेयर था कल, मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक बड़ा प्राइज आया है कल से, 1,70,000 रुपए के अनुमान लगा के वो एक एथर की एक बाइक दी जा रही है, एक इलेक्ट्रिक बाइक दी जा रही है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत फखर की बात है कि IJFest के अंदर जो मैन ऑफ द सीरीज रहेगा उसे एक इलेक्ट्रिक बाइक मिल रही है एथर की तरफ से और ये बहुत बड़ी कंपनी है, बड़ा अच्छा काम है इनका, तो अच्छा लग रहा है और प्लेयर्स के अंदर एक मोटिवेशन के तौर पर दे रही है और एक विकेट ली है। पहले तो मैं खासदार इम्तियाज जलील साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना अच्छा प्लेयर्स के लिए प्लेटफॉर्म दिया और उसके बाद हमारे फ्रेंचाइजी ओनर का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके खासदार साहब को कॉपरेट किया। आज के मैच की बात है तो आज हमको जीतना एनी हाउ ज़रूरी था और सबसे हमारा एक्सपीरियंस जो बैट्समैन था आज तक ग्राउंड पे उसने अच्छा इनिंग नहीं खेला था, आज उससे हमको यही उम्मीद थी और उसने करके दिखाया और इससे आगे भी हम इसी जोश से इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज जो यहाँ मैच हुआ एम्पायर स्टेट और टाइगर हॉस्पिटल में बहुत ही रोमांचक तरीके से मैच चलता रहा, आखिरी बॉल तक मैच गया, इस बार कभी इस पड़ने में कभी उस पड़ने में इस मैच ने सभी के दिलों की धड़कन को बढ़ाया है और सभी प्लेयरों ने अच्छा खेला, लेकिन खास तौर पे मैं ऋषिकेश पवार का अभिनंदन करना चाहूँगा कि उसने बॉलिंग में भी 3 विकेट लिए और ऐसे मुश्किल वक्त में जब टीम लड़खड़ा गई थी तब उसने अपने अनुभव का और अपने बड़े प्लेयर होने का, एक बहुत ही बड़ा प्लेयर किस तरीके से मुसीबत से बाहर निकालता है टीम को आज बता दिया है हम लोगों को और उसने कांग्रेस का एकदम बहुत बढ़िया योगदान रहा और हम इंशाल्लाह सेमीफाइनल में पहुँच जाएंगे और आगे भी इस तरीके से खेले तो जीत भी जाएंगे। जिसमें हमने आज जीत हासिल की है और हम क्वालिफाई हो जाएंगे मुझे ऐसा लगता है और हमारी टीम की तरफ से सभी प्लेयरों ने अच्छा खेला है, हकीम भाई खासतौर पे ऋषिकेश पवार सब जो हमारे ओपन प्लेयर हैं उन्होंने आखिरी तक हमको मैच जीत दिलाई है, वसीम भाई है, बॉलरों ने भी सब अच्छा आज प्रदर्शन किया है और मैं यही उम्मीद रखूंगा कि अभी अगर हम सेमीफाइनल में जाते हैं तो हम वहाँ पर भी जीत हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका नाम बताइए सर। माजिद पठान, मैं फ्रेंचाइजी हूँ एम्पायर स्टेट लॉयंस। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।